सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद हो कि सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किस तरह से मैंने आउटलाइन को ड्रॉ किया है, तो उम्मीद हो कि आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। और जिन्होंने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, तो आप जाकर उसे ज़रूर देखिए ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि मैंने किस तरह से आउटलाइन को ड्रॉ किया है और उसके बाद मैं किस तरह से यहाँ पर शेडिंग करूँगा, किस तरह से मैं किस पेशेंट्स के साथ और कितने डिटेलिंग में मैं काम करूँगा और हाइपर रियलिस्टिक बनाने का ही ट्राई करूँगा। तो आप इस वीडियो में भी बने रहें। और फ्रेंड्स, जैसे आप देख सकते हैं, इस पोर्ट्रेट में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है और काफ़ी ज़्यादा जो हाईलाइट के साथ डार्क एरिया भी है। तो मैं इसको किस तरह से ड्रॉ करूँगा, आप पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स देखिए, आप इसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट है यार, जितना ज़्यादा हाईलाइट है तो उतना ही ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। और ऐसा नहीं है कि आसानी से स्केच बन सकता है, जैसे हमें हाईलाइट देने के साथ साथ हमें जितने ज़्यादा हाईलाइट होगी ना, उतने हमारे लिए टफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे हमें रियलिस्टिक स्केच बनाना हो तो उस पर हमें ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होता है यार, जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना हाइपर रियलिस्टिक बनेगा। और जैसे आप बिगिनर हो तो आप पहले अपनी स्किल को डेवलप करोगे तो और अच्छा रहेगा। आप किस तरीके से शेडिंग कर रहे हैं, किस पेसर के साथ कर रहे हैं, तो आप उसे समझिए। और काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है मैंने चारकोल पेंसिल यहाँ पर, क्योंकि चारकोल पेंसिल में ये होता है कि हम को ज़्यादा डार्क एरिया है ना, तो वहाँ पर हमें बड़ी आसानी से डार्क एरिया, डार्क चीज़ें अचीव हो जाती है। बाकी जैसे हमें ग्रेफाइट पेंसिल से स्केच बनाना हो तो हमें लेयर बाय लेयर काम करनी होती है, तो उस पर ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं बनेगा, उस ग्रेफाइट पेंसिल में यही होता है कि हम ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करते हैं ना तो वो स्मूथ बनता है, काफ़ी स्मूथ बनता है। जो हम चारकोल का यूज़ करते हैं ना तो इसमें इतना यूज़ मतलब स्मूथ नहीं बन पाता है, लेकिन डार्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जैसे हम ब्लेंड भी करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा जो पाउडर है उसका फैलता है, शेड पर फैलता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप ट्राई करिए। बाकी ऐसा नहीं है कि ग्रेफाइट पेंसिल से नहीं बनता, ग्रेफाइट पेंसिल से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है और चारकोल से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है, लेकिन ये है कि चारकोल पेंसिल का यूज़ काफ़ी कम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो बिगनर नहीं है, बिगनर से थोड़े आगे बढ़ चुके हैं, तो वो इस चारकोल का पेंसिल, जो चारकोल पेंसिल है उसका अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े पुराने हो चुके हैं। जो बिगिनर है वो अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर सकते चारकोल पेंसिल का, क्योंकि थोड़ा इस पर पेशेंस के साथ थोड़ा माइंड कनेक्शन भी होना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह से हमें चारकोल पेंसिल का यूज़ करना है, किस तरह से हमें शेडिंग करनी है, तो वो ज़रूरी होता है हमें। सो फ्रेंड्स, अब जैसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी मैं किस तरह से चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और चारकोल पेंसिल का यूज़ करने के बाद मैं उसे किस तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंड करने के बाद जो हाईलाइट जहाँ पर मुझे देनी चाहिए, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा वहाँ पर मैं किस तरह से हाईलाइट दे रहा हूँ, आप पूरा इस वीडियो में देखिए। सो फ्रेंड्स, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो ले के आता रहता हूँ। और अभी से मैं क्या डेली ही लाऊंगा, ऐसे एक दिन नहीं निकलेगा कि मैं आप तक वीडियो शेयर ना कर पाऊँ, अब से डेली ही वीडियो आएंगे। वो डेली आपके आपको नॉलेज वाली बातें बताऊंगा कि किस तरह से जो स्केच में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बहुत सारी जानकारी दूंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिए और देखिए मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, जो हमारा जो पोर्ट्रेट है, जो रेफरेंस फ़ोटो है, वहाँ पर हमें जो आईब्रो जिनका हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, उनके आईब्रो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। जो हेयर है आईब्रो के, वो वाइट है, तो वाइट हेयर को हम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वाइट हेयर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो इंडेंटिक टेक्निक है हमें उसका यूज़ करना होगा, क्योंकि जो ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, वो जो छोटे आर्टिस्ट वो भी इसका यूज़ करते हैं, काफ़ी करते काफ़ी नहीं करते, लेकिन ये सबसे अच्छी टेक्निक है इंडेंटिक टेक्निक। ऐसा तो बहुत सारे टूल्स आते हैं इंडेंटिक टेक्निक के लिए, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो तो आप उसे ले सकते हैं।
बाकी मैंने अभी कोई से टूल यूज़ नहीं किए हैं, मैंने इस पर घर पर ही एक जुगाड़ की है। जैसे कि हमारा जो पेन की रिफिल ख़त्म हो जाती है, इंक ख़त्म हो जाती है, तो हमें क्या करना होता है उसको ही उससे ही इंडेंटिक टेक्निक का यूज़ कर कर, जैसे कि हमारा पेन चल ही नहीं रहा है तो उस पर जो पेपर है उस पर हम जहाँ जहाँ पर जो हेयर के डायरेक्शन है वहाँ उसी डायरेक्शन को देखते हुए हमारे स्केच पर फेरिए, और फिरने के बाद जहाँ पर फिर हमें जो चारकोल पेंसिल है उसका यूज़ करें तो ऑटोमेटिक हेयर बनते जाएंगे, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। नॉर्मल बस आप ब्लेंड करिए, जहाँ जहाँ पर हमें डार्क एरिया लग रहा है बस फेरिए पेंसिल को, जो है ना बस फेरते जाइए, ऑटोमेटिक जो हेयर है वो बन जाएंगे, क्योंकि जो हमारी जो इंडेंटिक टेक्निक है उससे यही काम होता है, इसलिए बड़े आसानी से। लेकिन यह है कि आपको पहले सीखना ही पड़ेगा जहाँ पर जो हेयर है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, आपको पूरा माइंड में बिठा लेना चाहिए, फ़ोटो को ऑब्जर्व अच्छे से करना पड़ेगा आपको इस चीज़ को सीखने के लिए। बाकी सेकेंड पार्ट पर मिलते हैं, इसका जो स्केच है जो आउटलाइन है उसके बाद जो हमें शेडिंग करनी होगी तो वो मुझे आपको बताऊंगा, तो अगले पार्ट को देखेंगे। तो अभी के लिए जय हिंद जय भारत। Under pressure, no more time.